हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम जो सेकंड स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है एडिशन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो फर्स्ट सेशन में कंप्लीट हो गया है, अभी ये सेकंड सेशन है। इस सेशन में हम ये जो सेकंड चैप्टर है ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में जिन टॉपिक पर हम नजर डालने वाले हैं वो टॉपिक है एडिशन क्या होती है, एडिशन के पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड एंड एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैप्टर के आगे के पार्ट भी आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको जो मैथ के बारे में डिटेल जानकारी दी जा रही है वो मिलती रहे। तो चलो आप हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एडिशन। तो एडिशन क्या होती है, जब हम कोई भी दो चीजें और दो से ज्यादा चीजें एक साथ मिलाते हैं तो उसको एडिशन बोलते हैं। तो एडिशन की यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। एडिशन क्या है, एडिशन मतलब कंबाइनिंग टू और मोर थिंग, टू और मोर थिंग टुगेदर इट इज कॉल्ड एडिशन, इट इज कॉल्ड एडिशन। मतलब दो और दो से ज्यादा चीजों को जब हम एक बार एक साथ मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं हम एडिशन। एडिशन मतलब एक साथ मिलाना। तो इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैं। कंबाइनिंग टू और मोर थिंग टुगेदर इट इज कॉल्ड एडिशन। अब एडिशन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने यहां पे लिख दिया एडिशन किया 12 + 3, तो इसका एडिशन को सीधा सीधा आ जाता है 2 + 3 = 5, 1 as 1। तो ये जो दो नंबर है इनको बोलते हैं हम एडेंड, इन दोनों नंबर्स को बोला जाता है एडेंड्स, और ये जो है इसको बोलते हैं सम। तो अब एडेंड के बारे में और सम के बारे में जानकारी दे देता हूं। एडेंड्स क्या होते हैं, एडेंड्स, तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे। एडेंड्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच वी एड, जिनको हम मिलाते हैं आर कॉल्ड एडेंड, उनको बोलते हैं एडेंड्स। और सम क्या है, मैथ जब पढ़ रहे हो तो आपको हर टर्म एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो सम क्या होता है, सम का मतलब होता है द आंसर ऑब्टेन आफ्टर एडिशन। इट इज कॉल्ड सम। जब हम एडिशन करते हैं और हमें एडिशन का आंसर मिल जाता है उस आंसर को हम बोलते हैं सम। यहां पे एक थोड़ा सा हार्ड वर्ड डाल दिया है मैंने, द आंसर ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब द आंसर वी गेट आफ्टर एडिशन, आप बोल सकते हो द आंसर वी गेट आफ्टर एडिशन इट इज कॉल्ड सम। तो ये हो गए एडेंड की जानकारी, ये हो गए सम की, और ये हो गए एडिशन की डेफिनेशन।
अब देखते हैं हम एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। आप ये जानकारी लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो आगे का टॉपिक देखने वाले हैं वो है एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। तो एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड जो है वो हम देखने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, तो इसमें एग्जांपल के थ्रू एक देखने वाले हैं हम। तो हमारा एक पहला एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं, वो एग्जांपल है 23 प्लस 5। तो इसका हमें आंसर निकालना है और वो हमें बाय काउंटिंग फॉरवर्ड करना है। तो वो कैसे करेंगे हम उंगलियों का यूज करके भी कर सकते हैं। तो देखो हमारा पहला नंबर है 23 और कितने नंबर मिलाने हैं उसमें 5 मिलाने हैं। इसका मतलब 5 आगे के जो 5 नंबर है वो हमें काउंट करने हैं। तो 23 से 5 आगे काउंट कर लेते हैं। 23 के पहला काउंट किया तो 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28। तो हमारा आंसर हो गया 28। अब आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 23 लिख के 23 लिख दिया, जो पहला नंबर है उसके बाद का वो आएगा 24, जो दूसरा है वो आएगा 25, जो तीसरा है वो आएगा 26, चौथा है वो आएगा 27 और जो पांचवा है वो आएगा 28। तो इस तरह से आगे काउंट करके आप आपका आंसर निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। अब देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल। जो सेकंड एग्जांपल है उस एग्जांपल में देखते हैं 41 प्लस 8 और इसका हमें आंसर निकालना है। तो 41 प्लस 8 करना है हमें। तो अब क्या करेंगे हम, 41 से हमें आगे के 8 नंबर काउंट करने हैं। तो 41 यहां पे लिख देता हूं मैं। उसके बाद का पहला नंबर आएगा 42, दूसरा नंबर आएगा 43, तीसरा नंबर आएगा 44, चौथा नंबर आएगा 45, पांचवा नंबर आएगा 46, सिक्स वाला नंबर आएगा 47, सेवंथ वाला नंबर आएगा 48 और एट्थ वाला नंबर आएगा 49। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब यहां पे क्या आंसर आएगा हमारा 49। तो ऐसा आगे फॉरवर्ड काउंट करके आप आंसर निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और वो तीसरा एग्जांपल है हमारा 20 प्लस 6। तीसरा एग्जांपल है 20 प्लस 6। तो इस एग्जांपल में आप देख लेते हैं हमें क्या करना है, 20 से आगे के 6 नंबर काउंट करने हैं। तो मैं यहां पे 20 लिख देता हूं। इसके आगे का पहला नंबर होगा 21, दूसरा नंबर होगा 22, तीसरा नंबर होगा 23, चौथा नंबर होगा 24, पांचवा नंबर होगा 25 और 6 वाला नंबर होगा हमारा 26। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहां पे 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। इस तरह से आप काउंटिंग फॉरवर्ड करके भी एडिशन कर सकते हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग, वो देख लेते हैं। एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग, आप ये लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखना है हमें एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन विदाउट
रीग्रुपिंग मतलब इस एडिशन को हम बोलते हैं बिना कैरी वाला एडिशन, जिसमें कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बिना कैरी वाला एडिशन हम देख लेते हैं। तो यहां पे मैं क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे, यहां पे क्वेश्चन लिख लेता हूं। एड द फॉलोइंग और हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ये कॉलम एडिशन करके दिखा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट एग्जांपल है 82 प्लस 16, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब इनको हम कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। ये जो यहां पे है ये वंस है और ये टेंस है, तो रिग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। तो 6 प्लस 2 करना है, इसका मतलब 6 के आगे 6 नंबर काउंट करने हैं 2 के आगे। तो 2 के आगे 6 नंबर काउंट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 6 के बाद 6 नंबर, 2 के बाद 6 नंबर काउंट करने हैं। तो 2 के बाद पहला 3 4 5 6 7 8, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8। और 8 के बाद 1 नंबर काउंट करना है, तो 8 के बाद पहला नंबर है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 82 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 98। अब ये जो लिखा है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन, और ये जो लिखा है इसको बोलते हैं वर्टिकल एडिशन। ये वाली एडिशन है वर्टिकली, वर्टिकल, और ये जो है ये है हॉरिजॉन्टल, ये एडिशन है हॉरिजॉन्टल एडिशन। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन में यहां पे पहले कॉलम में अरेंज करके लेते हैं नंबर्स। आप जितना अच्छा लिखोगे उतना आपके टीचर को अच्छा लगेगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो लिखने का आपका तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो यहां पे नंबर लेता हूं मैं 42 प्लस 27। अब ये दोनों नंबर मिला लेते हैं 2 प्लस 7, तो 2 के आगे 7 जाओ या 7 के आगे 2 जाओ, 7 के आगे 2 जाना इजी है। तो 7 के आगे 2 जाने के बाद हमें मिल जाएगा 7 8 9, और 4 के आगे 2 जाने के बाद हमें मिलेंगे 5 6। तो यहां पे हो गया हमारा 42 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 69। तो इन दोनों, ये जो दोनों नंबर है ये है हमारे एडेंड, और ये जो नंबर है इसको बोलते हैं हम सम। तो इस तरह से हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी एडिशन कर सकते हैं विदाउट रिग्रुपिंग है ये। इसके बाद हम एडिशन विथ रिग्रुपिंग देखेंगे, और एडिशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टी भी देखने वाले हैं। तो आगे का पार्ट आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको मैथ के बारे में पूरा डिटेल पढ़ने को मिले, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।